नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मैं कल कौन से पांच इंट्राडे में शेयर्स बाय करने वाला हूँ कल के लिए। और कल की डेट मैं आपको बता दूँ तो कल है 27th of July। सो गाइस 27th of July को मैं कौन से पाँच शेयर में ट्रेड कर सकता हूँ पूरी उसकी एनालिसिस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। टारगेट और स्टॉप लॉस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे गाइस। सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेयर जो मैं लेकर आया वो है ओबेरॉय रियलिटी। अब इस पे पर्टिकुलर क्या पैटर्न क्या सिस्टम बन रहा है वो हम बात करेंगे और जो भी टारगेट और स्टॉप लॉस होंगे कल सुबह 8 बजे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे प्रोवाइड हो जाएंगे और आप जाके वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं गाइस। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा जो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग लाइन है। मैं इसका अगर आपको डार्क करके दिखाता गाइस, ये रेड ब्लैक कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये ब्लैक कलर की लाइन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब मैं आप लोगों को अच्छी सिंपल एनालिसिस से ध्यान बता रहा हूँ। ये देखिएगा, इस पॉइंट से देखिएगा, इस पॉइंट से एक डीप करेक्शन आया था, फिर हमने क्या देखा था, इस पॉइंट से हमने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखी थी, स्ट्रॉन्ग अपमूव देखी थी, बट उसके बाद इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। क्रॉस करा था, शैडो क्रॉस करी थी, बट बॉडी बंद नहीं हुई, एक बॉडी क्लोज नहीं हुई, ठीक है गाइस। उसके बाद हमने क्या देखा कि दोबारा ये जो डेट है, ये जहाँ से एक शार्प फॉल आया वो है गाइस 20th March। 20th March से हमने देखा था एक शार्प फॉल आई, उसके बाद इस लेवल से ऊपर गया ही नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा, दोबारा ऊपर छुआ बट ऊपर कोशिश नहीं कर पाया, ऊपर जाने की कोशिश करी नहीं जा पाया, दोबारा नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और एट द एंड यहाँ के दिन आज हमने देखा था कि क्लोजिंग देखने को मिली इसके ऊपर। आप देख पा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी मैंने आप लोगों को बताया था ये लाइन है, ये लाइन को अगर कोई बार लाइन को मल्टीपल बार शेयर टेस्ट करता है, मल्टीपल बार आके छूता है, तो ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है सबसे पहली बात, और ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट होने के साथ ही साथ वीक भी हो जाती है। क्यों वीक हो जाती है, क्योंकि बार बार जब शेयर यहाँ पर आके छूता है और हम क्या देखते हैं ऊपर से बार बार सेलिंग आ जाती है और इसको आके बार बार छू जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर लोग बेचने की ही कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की नहीं। तो एट द एंड शायद अगर ये ब्रेक होता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकती है या डाउन मूव आ सकती है। तो सेम इस तरीके का यहाँ पर भी होता है कि अगर कोई शेयर बार बार यहाँ पर छू रहा है, बार बार छू रहा है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट और वीक हो जाती है, और जैसी अगर ये ब्रेक होती है तो गाइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके का वही हुआ, हमने क्या देखा, जब यहाँ से एक सेलिंग आती थी तो एक अच्छी खासी डाउनफॉल आती थी, दोबारा यहाँ से सेलिंग आई, एक अच्छी खासी डाउनफॉल आई, जब यहाँ से सेलिंग आई तो डाउनफॉल यहाँ तक ही आई सिर्फ, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये एक रेंज के अंदर चला गया और बार बार मल्टीपल बार यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, तो ये लाइन वीक हो गई। ये लाइन वीक होने के बाद एक ब्रेकआउट दे दिया, दोबारा लाइन को रीटेस्ट करने आया, और अगर कल ये 390 के ऊपर चले जाता है तो गाइज एक अच्छी खासी अपमूव आ सकती है, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सिंपल एनालिसिस आप लोगों को बताया गया है। एक एनालिसिस में और अगर आप इसमें दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लैग एंड टाइप पैटर्न बना है, देख पा रहे हैं, एक फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बना है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी अपमूव दे सकता है। ये देखिएगा, ये एक अच्छी खासी अपमूव थी, एक रेंज के अंदर चली गई, रेंज के अंदर जाने के बाद एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब 390-391 के ऊपर जब ये सस्टेन करता है तो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग बनेगी। वॉल्यूम्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे खासे इसके अंदर जनरेट हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर की बनी थी, जो पहले इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स थे वो इस लेवल पे थे, इस लेवल पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स थे यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन के, और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखी थी, तो सिमिलर वॉल्यूम्स यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक बार यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो बहुत अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, तो कल इसे वॉच करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है गाइज वो आता है PVR, जो मैं आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। PVR यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये मैं अपने क्लाइंट्स को 1040 के आसपास बाय करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अब ये एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ, एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आई, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पर इसने पोजिशन होल्ड करी, एक अपमूव आई, फिर नीचे आई, एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो पैटर्न बनाया, उसके बाद हमने क्या देखा, एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा था, ये देख रहे हैं, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, इस रेंज के अंदर, और रेंज का इसने यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा कल के सेशन में रीटेस्ट करा और ऊपर जाके क्लोज करा। तो कल अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, ग्राउंड नंबर भी है 1100 रुपये का लेवल, अगर ये कल 1105 के ऊपर निकलता है गाइस, तो बहुत अच्छी खासी बाइंग आ सकती है इस पर, और हम लोगों ने अभी भी पोजिशन इसमें होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो इंट्राडे के जो लेवल्स और परफेक्ट टारगेट और स्टॉप लॉसेज हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो लिंक आप ज्वाइंट से हो सकते हो, जिस लिंक से, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी हो सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, हम थर्ड स्टॉक की अगर बात करें तो थर्ड स्टॉक आता है गाइस टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर आप लोगों को मैं यहाँ पर जो दे रहा हूँ वो एनालिसिस आप देखिएगा कि सबसे पहली बात, जब मैंने लाइन ड्रॉ करी बॉटम से, सारे बॉटम्स को टेस्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, तो मुझे पता चला कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर हमेशा बाइंग आ जाती है। आप देख पा रहे हैं, हमेशा हम देखते हैं कि इस लाइन पे एक अच्छी खासी बाइंग आ जाती है, और ये आप देख सकते हैं अपने अप ट्रेंड पे चल रहा है। यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, ये अप ट्रेंड पे चल रहा है, अपने हमेशा हायर हाइज बनाता है और लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो अभी भी यानी कि ये बाय ट्रेंड में ही काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो दूसरी बात क्या है कि एक स्ट्रांग अपमूव दिखाई, स्ट्रांग अपमूव आने के बाद थोड़ा सा एक पोजीशन होल्ड करा और थोड़ा सा पॉज लिया। पॉज लेने के बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन, इस कैंडल के ऊपर ये निकलता है 411 के ऊपर, ये जैसे ही निकलेगा एक अच्छी खासी बाइंग आ जाएगी फॉर अ टारगेट ऑफ 420 फॉर इंट्राडे। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बनाता हूँ तो टॉप और बॉटम से लेकर टॉप तक बनाऊंगा, तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है ना, जो आपका बॉटम है वो 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि एक गोल्डन रेशियो होता है और गोल्डन लेवल होता है जहाँ से एक पॉजिटिव रिवर्सल हमें देखने को मिलते हैं, और अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो अपने प्रीवियस हाई तक भी ये जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट स्टॉक है मेरा फेवरेट टेक महिंद्रा। इसमें मेरी पोजिशन पहले से ही होल्ड है, जो मैंने अपने लिए पोजिशन होल्ड करी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइज, ये वाला स्टॉक जो है ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, इस लेवल पे हम लोगों ने अपनी एक बाइंग बनाई, मैंने यहाँ पर मेरी बाइंग है, मेरा एवरेज प्राइस अराउंड इस लेवल होगा, क्योंकि मैंने इस लेवल पे यहाँ पर एक बाइंग बनाई थी इस लेवल पे, और एक मैंने इस लेवल पे बाइंग बनाई, दोनों जगह मैंने अपनी पोजीशंस को ऐड करा है, तो अराउंड मेरा इस जगह का मेरी एक बाइंग होगी 580 560 के अराउंड। तो गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर काम करता है, जब शेयर रेंज के अंदर काम करने के बाद देखता है एक ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल से, ब्रेकआउट देता है, दोबारा रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ब्रेकआउट दे देता है, और हम क्या देखते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पर भी ब्रेकआउट दे देता है। अब राउंड नंबर पे चल रहा है जो कि है 650 का। अब कल शायद हो सकता है कि एक छोटी सी यहाँ पर ऐसी कैंडल बना दे और अगले दिन जाके फिर हम एक ब्रेकआउट देखें, वरना कल के दिन भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कल हम इसको वॉच करके चलेंगे, जो भी जिस लेवल पे बाय बनाना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉसेज है, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, जाके ज्वाइन जरूर करिएगा, तभी आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड होगा। लास्ट स्टॉक आता है गाइस हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि कल मैं खुद भी बाइंग करने वाला हूँ बहुत अच्छे प्रॉफिट से, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा ये टारगेट दे सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक बना रखा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये ऐसे दिखाता हूँ। अब ये लाइन मैंने क्यों बना रखी है, यहाँ पर आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये देख रहे हैं, ये आप खुद देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या करता है, जब भी इस लाइन पे आता है ये एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाता है, या फिर कुछ इस तरीके की कैंडल बनाता है, इस तरीके की कैंडल बनती है इसकी, या फिर कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, ये देख पा रहे हैं इस तरीके की कोई कैंडल्स बनती है, उसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब आप देखिएगा सेम इस तरीके की ये वाली कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, उसके बाद यहाँ पर भी एक इस तरीके की कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल को देखेगा, इस वाली कैंडल को देखेगा, और यहाँ पर भी इसने यही वाली कैंडल बनाई है, 2370 से आ गया था 2170 तक, और उसके बाद हमने क्या देखा 2170 से रिकवर होके आ गया 2210 तक, ये वाली कैंडल ने ही रिकवरी दिखा दी पूरी। अब इसके ऊपर जैसे ही निकलता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, और मैं कह सकता हूँ कि 2300 के लेवल्स तक जा सकती है, तो
तो कल इस पे हम बाइंग बना सकते हैं। अगर कल ये होल्ड कर लेता है 2215 का लेवल, एक घंटा मैं मान के चल रहा हूँ, एक घंटा नहीं, अगर 15 मिनट की दो कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाती हैं तो मैं अपना टारगेट लेकर चलूंगा 2300 का। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को परफेक्ट लेवल और टारगेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और मुझे लगता है डेफिनेटली कल अच्छा खासा फायदा हम लोगों को मिलेगा। तो गाइस ये एनालिसिस आप लोगों को हमारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो हमेशा 9 बजे अब से कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगी, एग्जैक्ट 9 बजे आप लोगों को वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। ये अभी मैं जल्दी बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, बट 9 बजे हर दिन अपलोड हो जाएगी तो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करते हैं इस एम का 500 लाइक्स का। अगर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो गाइस इसी के साथ मैं इंट्राडे के साथ साथ पोजिशनल स्टॉक्स भी आप लोगों को दूंगा और 3-4 दिन के लिए भी आप लोगों को स्टॉक्स होल्ड करने के लिए साथ साथ ऑप्शन कॉल्स भी प्रोवाइड होंगे। सो गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और 500 लाइक होते हैं तो कल से ही हम आप लोगों के साथ ऐसी वीडियोज भी और बनाना शुरू हो जाएंगे। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।